वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है संडे और संडे को है रिया का चर्च मैच प्रोग्राम। तो देखिए चर्च में प्रोग्राम किस तरह का क्या है, जो भी होगा देखने को आपको मिल जाएगा। और पिछला ब्लॉग में भी देखिए आपको बताएंगे कि रिया का प्रोग्राम है, हम लोग चर्च भी आ गए प्रैक्टिस में कार्मल स्कूल की तरफ से है। तो चलिए देखिए सब कुछ तैयार है, निकल रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग ज़्यादा लेट हो जाएगा। इधर देखिए मम्मी भी तैयार है, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मम्मी भी तैयार है, इधर पापा भी अपना तैयार हो रहे हैं। तो चलिए रिया चलो नीचे यार, जल्दी आओ ठीक है। जनों का अपना निकलेंगे अभी आज नेक्सॉन से, तो नेक्सॉन का गाड़ी जैसे कि पार्क से निकलते हैं, पार्किंग में निकलते हैं इसको। क्या जनों पहुंच गया है चर्च में और अभी रिया उतर के चली गई अपना प्रोग्राम के लिए सिस्टर लोगों के पास। अब देखिए जैसा भी होता आपको दिखाते हैं क्या है प्रोग्राम क्या है, नहीं हमको खुद भी आइडिया नहीं है क्या चीज होने वाला है और यह भी कुछ बता ही नहीं है। तो चलिए उतरते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है, जैसा भी होगा आपको देखने को मिलेगा। और आयुष अपना कार में, तो देख आज फादर आके बोले, चर्च के फादर जो है वो बोले कि गाड़ी आज यहाँ पुराना है तो थोड़ा सा उधर कर लीजिए पार्किंग जगह में। तो चलिए पार्किंग जगह में पार्किंग लगाते हैं। देखिए यहाँ कितना गाड़ी पार्किंग लगा हुआ है, पार्किंग में लगा दिया गाड़ी और अब चलते हैं। और इधर देखिए आयुष अपना स्वेटर पहन रहा है क्योंकि वो इतना ना टी शर्ट वगैरह क्या क्या पहन लिया था, अब पहनने के कारण उसका पैंट हो गया टाइट। तो हम देखे तो पूरा पेट टाइट हो रहा पापा पूरा पैंट में, तो हम बोले कि काम करो, क्या बोल रहे हो पैंट टाइट हो गया, तो सब उसका धीरे धीरे करके हम निकाल लें और स्वेटर पहना है। तो अब जाके उसको थोड़ा ठीक है, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो चलेगा इस चलते हैं, लाइन से पार्किंग लगा हुआ देख रहे हैं। चलो और मेरा वाइफ भी इंतजार कर रही है, क्या हो गया गाड़ी में बहुत देर हो गया ना पार्क करने में। लवली इंतजार कर रही है, बोली क्या बात है इतना देर हो गया, आया पार्किंग में टाइम लग गया। चलिए चल रहे हैं, टोंटर सब लग रहा है, झंडा उंडा देखे सब लगा हुआ। आज टांगा हुआ स्कूल का स्टूडेंट लूम बनाया है, आप देखिए मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। कितना लंबा लंबा सब स्कूल के स्टूडेंट लूम बनाया है, हमेशा चल ही रहा है ये, बाहर में सब कोई बैठे इंतजार कर रहे, गाड़ी पूरा पार्क है। ठंडा था हम और आयुष आ गए बाहर, ना आयुष और ठंड अंदर, बाहर में लग रहा है ठंडा, तो बाहर में भी ठंडा लग रहा है। तो देखें मिशा खत्म हो गया, इधर मम्मी पापा भी निकल गए हैं, अभी क्विज प्रोग्राम होगा। अभी ठंडा बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी यहाँ क्विज प्रोग्राम होगा, फिर यहाँ का क्या प्रोग्राम होगा तब जाके एक कप चाय मिलेगा। तो इतना ठंडा में रुकेंगे नहीं हम, नहीं हो सकता निकल जाएंगे। अपने चचेरा भाई के साथ खड़े हैं, मम्मी भी है, निर्वाण ग्रंथ पहाड़ टाइप का बनाया हुआ पहाड़, और सब डेकोरेट होगा उसका, क्या प्रोग्राम होगा देखते हैं। अभी तक हम लोग कुछ पता नहीं है, अभी अंदर में क्विज प्रोग्राम चल रहा है इसलिए हम लोग बाहर आ गए। ऐसा देखिए अभी आयुष फिर ये अपना मस्ती कर रही है खेल के, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तो क्विज प्रोग्राम ही चल रहा है, पता नहीं कब मिसा खत्म होगा, मिसा खत्म हो गया अब क्विज प्रोग्राम है, उसके बाद रियलों का प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम होने के बाद जाके चाय मिलेगा, कितना देर लगेगा, इतना ठंडा है यहाँ पे, भूख भी लग रहा है।
अपना प्रोग्राम का तैयारी करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं, देखते क्या महिला लोगों का लिए गीत हो रहा है जीजस का। यहाँ पे सब सजाया जा रहा है, कुछ और प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ अभी लेडीज लोगों का गीत चल ही रहा है। अब सेंट एंथोनी स्कूल वाले का बच्चे जो है वो प्रोग्राम देंगे स्कूल के, सेंट एंथोनी स्कूल के। सेंट एंथोनी स्कूल के बच्चे लोग बीच बीच पड़ाव डालकर रखे दिन पहुंचा। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला और वे यह कहते हुए मूसा के विरोध गुनगुनाने लगे, हमें पानी दो, हमें पीने को पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मेरे विरोध क्यों गुनगुनाते हो, ईश्वर को चुनौती क्यों देते हो। लोगों को बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरोध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और पशुओं के साथ प्यास से मर जाएं? मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारो है, नील नदी पर मारा था। नीचे से हाँ निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है। सभी पानी पीकर खुशी से घूमने लगे। इस अध्याय से बाइबल की सत था, शब्द ईश्वर के साथ था और जुबानी बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी, यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे लाया। जी हाँ, इसका मतलब समझाइए। पानी करने के लिए अपनी मशालें तैयार करती हूँ। इसके बाद वे विवाह भवन की ओर प्रस्थान करती हूँ। अंधेरी रात में अपनी मशालें लेकर कुंवारियाँ अब भवन के निकट पहुंची। पहली कुमारी बोलती है, कितनी देर हो गई है। दूसरी कुमारी बोलती है, हाँ परंतु प्रभु यहाँ तक पहुंचे क्यों हैं। तीसरी कुमारी ने बोला, कहीं हमें आने में देर तो नहीं हो गई। चौथी कुमारी ने बोला, कहीं हम जल्दी तो नहीं आ गए। पांचवी कुमारी बोलती है कि हम बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ी देर विश्राम करते हैं। और सभी कुमारियां भवन के सामने ही विश्राम करने लगी। आधी रात होने पर आवाज आई, देखो देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। छठी कुमारी बोलती है, उठो उठो अपनी चालें
तैयार करो। सातवीं कुंवारी ने जवाब दिया, हमें दूल्हे की आगवानी करने जाना है, सब तैयार हो जाओ। आठवीं कुंवारी ने बोला, हमारे प्रभु आ गए हैं। उन पांच नासमझ कुंवारियों की मशालें बुझने लगी। पहली नासमझ कुंवारी ने बोला, अरे देखो हमारी मशालें तो बुझ रही हैं। दूसरी नासमझ कुंवारी ने बोला, हमारे पास और तेल नहीं है, अब क्या करें। चौथी कुंवारी ने बोला, क्यों ना हम दूसरों से मांग लें, ऐसा ही करते हैं। उन सभी ने मिलकर समझदार कुंवारियों के पास जाकर उनसे तेल मांगा। अगर हम अपने तेल में से तुम्हें दे दे तो हमारे लिए तेल नहीं बचेगा, ऐसा करो तुम सब अपने लिए दुकान से तेल ले आओ। वे पांचों नासमझ कुमारियां भागकर दुकान की ओर गईं। वे विवाह भवन में दूल्हे के साथ प्रवेश कर गए। अच्छा, अब द्वार बंद हो गया। कुछ देर बाद शेष पांच कुंवारियां भी आ पहुंची। उन्होंने पाया कि द्वार बंद है और वे पांचों प्रभु को पुकारते हुए बोली, कि मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए रिया का फोटो सर्विस कितना अच्छा लगा। अरे काफी भीड़ है दीदी। पैसे से मिल रहा, पैसे से मौसी के लिए भी लेना है, लेना है कि नहीं लेना पता नहीं। लवली कहाँ गई? व्यवस्था तो चाय भी ले लेते हम लोग। हाँ है, देखिए मम्मी लोम्बी पूरा चाय पी रही है, चाय पी रहे। बहुत ठंड है यहाँ, काफी समय भी हो गया, काफी समय। अभी देखे कितना भीड़ है। जल्दी चाय पीते और निकलते घर। अम्मी हम ले लिए एक बाइबल, बहुत जरूरी था, 2024 का बाइबल था तो हमने ले लिया। कैसा लगा प्रोग्राम मेरा वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। काफी देर से हम प्रोग्राम के इसमें थे। रिया का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ, परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा हुआ। बस आपसे यही है कि आप मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको। देखिए सिस्टर भी आ रही है कहाँ, तो चलिए हम लोग अब गाड़ी बैठते हैं, निकलते हैं। हम लोग अब निकल रहे हैं, अभी भी देखिए कितना भीड़ है। देखिए अभी कितना भीड़ है, देख रहे हैं। अब
प्रोग्राम बहुत मस्त रहा, बहुत अच्छा। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते, काफी टाइम हो गया है, भूख बहुत तेज लगा था। ये दिखा रहे आपको ब्रेकफास्ट का क्या बना है, भुजिया, प्याज, हरा मिर्चा और रोटी। तो चलिए जल्दी से करते हैं फटाफट। और अभी जाके देखिए, जब हम आ गए तब मौसम ठीक किया, तो इतना बेकार मौसम था। यहाँ देखिए रिया का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, गुनगुन आई स्टडी करने के लिए, सुगम भी आया हुआ है। हाँ।